उमारती कामों का तफसीली जायजा। तामीराती कामों का अरसा बहुत चैलेंजिंग साबित हुआ, लेकिन लोगों ने मिला मिजाजी और सब्र का सबूत दिया। ये तमीरात अजीम मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करते हुए भी पूरे हुए और अब घरों का खूबसूरत और मुकम्मल मंजर बन चुका है। बलाक आई घरों की खसूसियात। ये बलाक आई घर मुख्तलिफ खसूसियात रखता है जो उसे दूसरे इलाकों से मुमताज बनाती है। घरों की तंजीम, दीवारों की रंग भरने वाले मनाजिर और फर्नीचर की मुंतखबात, सब कुछ होशियारी और ज़ौक का नुमाइंदा है। जल्द ही रहाइश के लिए तैयार। जो लोग जल्द ही बलाक आई में आने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरियां हैं कि उनके घरों का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और अब वो रहाइश के लिए तैयार हैं। ये एक मौका है जो लोगों को अपने नए घर में कदम जमा कर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने का मौका फराहम हुआ है। जाकिर साहिब की पेशगोई। जाकिर साहिब ने पहले ही बताया था कि ये घर जल्द ही तैयार हो जाएंगे और अब उनकी पेशगोई सच हो गई है। जनवरी 2024 का महीना है जब ये घर रहाइश के लिए तैयार हैं और लोग अब उन घरों में रहने के लिए तैयार हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें। अब सबसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हासिल करें। यहाँ मुख्तलिफ मौजूआत पर वीडियोज़ मिलेंगी जो आपको मुख्तलिफ पहलुओं से मालूमात फराहम करेंगी। इख्तितामी ख्यालात। बलाक आई का ये नया मरहला एक नया आगाज है और ये घर लोगों को मदद फराहम करता है ताकि वो अपनी जिंदगी का एक नया बाब खोल सकें। ये सच है कि हर कोई अपने ख्वाबात को पूरा करने का अपना रास्ता होता है और बलाक आई इस रास्ते में एक सहारा है।